श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर् यस्य तं वंदे रघुनंदनं। हरि ओम। जो श्लोक हम देख रहे हैं, पापांधकारार्क परंपराभ्याम तापत्रयाहिंद्र खगेश्वराभ्याम जाड्याब्धि संशोषण वाणवाभ्याम नमो नमश्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमश्री गुरुपादुकाभ्याम। ये गुरुपादुकाएं सूर्य मालिका के समान है, जो पाप रूपी अंधकार को दूर करने में समर्थ हैं। सो दिस सनलाइट डिस्पेल्स द वेरी डार्कनेस ऑफ सिंस। अब यहाँ पे परंपरा भी कहा, अनेक प्रकार सूर्य और पाप भी तो बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ, अब देखो सूर्य को ये देखेंगे आप, बिल्कुल सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है उषा काल के समय, वो सूरज अकेला अलग दिखाई देता है कि नहीं? बोले हमको क्या मालूम, उसको देखने पहले हमको उठना पड़ेगा। मॉर्निंग राइजिंग सन देखने जरा कठिन ही काम होता है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़े तो उसका रूप बदल जाता है कि नहीं? बोले हाँ। और दिन 12 बजे तो बिल्कुल तेजस्वी होते हैं, फिर धीरे धीरे सायंकाल सेटिंग सन अलग दिखाई देता है कि नहीं? तो देखिए सूर्य के भी तो कितने रूप दिखाई देते हैं वहाँ पे। हाँ, और ये पाप जो होते हैं ना, पाप माने क्या? बोले सिन। सिन माने क्या? पाप। वाह, बहुत बढ़िया। पाप उसे कहते हैं, पहले भी एक बार हम देख चुके हैं, जो आपके प्रगति के मार्ग में रोड़ा डालते हैं, स्पीड ब्रेकर होते हैं, उनको पाप कहते हैं। अब ये पाप जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्म रूप पाप, एक भावना रूप पाप होता है, हाँ, और एक अज्ञान रूप भी होता है। तो बोले पाप माने क्या? देखो जैसे हम जहाँ पे भी जाते हैं, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, ऑफिस जाओ, हमें एक विधि निषेध बताया जाता है, डूज एंड डोंट्स, है ना? ये करो, ये मत करो। आदमी बीमार भी पड़ जाता है तो वहाँ पर भी उसको कहा है, ये खाओ, ये मत खाओ, ये करो, ये मत करो। विधि निषेध होता है नहीं। विधि माने इंजंक्शन, डू, निषेध माने डोंट, डूज एंड डोंट्स। और यदि हम इन विधि निषेध का ठीक से पालन नहीं करेंगे तो पाप हो गया। माने जो करने को कहा गया है हम नहीं करते हैं, और जो कहा नहीं करो वो हम करते हैं, तो पाप हो गया, तो उसका भी दंड होता है। एक जोक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे तो बहुत सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन एक लड़का घर आया शाम को, तो उसके पिताजी ने कहा, अरे आज तुम्हारे स्कूल से एक कंप्लेंट आई है, तुम्हारे बारे में शिकायत आई है। लड़का कहता है, शिकायत? मैं तो गया ही नहीं आज। जब गया ही नहीं तो शिकायत कैसे होगी कि इसने तोड़फोड़ की कुछ? या जो गया नहीं वही तो गलत हो गया कि नहीं? एक लड़का बड़े टीचर कहता है, सर यदि मैं कुछ नहीं करूं तो आप मुझे दंड दोगे क्या? और बेचारे गुरु सीधे स्वभाव के थे, बोले कुछ नहीं करेगा तो दंड कैसे करेंगे? बोले मैंने होमवर्क नहीं किया। ओ नहीं, नहीं करना जो है वो भी पाप हो गया कि नहीं? हाँ। बोले हाँ। तो रोज के जीवन में भी इसी प्रकार धर्म वगैरह में भी कहते हैं, डूज और डोंट्स आते हैं कि नहीं? दाउ शैल डू दिस, दाउ शैल नॉट डू दिस,
तो वहाँ पर भी है, और 10 कमांडमेंट्स दिए गए ना वहाँ पे, से 10 कमांडमेंट दिए हैं, रिलीजियस क्लास में पढ़ाए गए हैं। और एक दिन वो टीचर ने उनको पूछा, लड़के को, यदि 10 कमांड में से, 10 आदेशों में से तुम 5 को तोड़ दोगे, पालन नहीं करोगे, तो क्या होगा? तुम्हारे 5 बचेंगे। I got still more chance to break other 5। ये कर्म रूप जो है ये पाप है। कि रोज के जीवन में हम ऐसा देखते हैं कि हमें जो करना चाहिए, केवल शास्त्र धर्म की बात नहीं, हम अपने आप भी नियम लगाते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, और उठता ही नहीं हूं, है नहीं? वो तो गलत तो हो ही गया ना, इसलिए आपकी आगे उन्नति नहीं होती। फिर तो एक होता है विधि निषेध रूप, कर्म रूप। तो कौन सा सूर्य होगा उसका? आप कर्म का पालन करो, वो सूर्य क्या होगा? कर्म रूप, माने आपको जो करना चाहिए आप करो, जो नहीं करना चाहिए उसको मत करो, तो वो बहुत सारा अंधेरा दूर हो जाएगा। ये शारीरिक कर्म के स्तर पे हो गया। चलो अब दूसरा होता है पाप की भावना। देखो कभी कभी जो आदमी कर्म करता है, दिखने में कर्म अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे भावना जो है वो बहुत खराब है। तो जो पाप पुण्य हमारे यहाँ शास्त्र में कहे गए हैं, एक तो होता है कर्म का फल तो सामने दिखाई देता है, लेकिन कौन कौन सी भावना से, भावना कहो या उसको इंटेंशन कहो, इसलिए कि बाई चांस किसी के हाथ से कोई मर्डर भी हो जाता है तो वो कहेंगे इट वॉज नॉट ए प्री मेडिटेटेड वन, एक्सीडेंटल हो गया, उसके इंटेंशन नहीं था। तो जब बुद्धिपूर्वक किसी भावना से, स्वार्थ से प्रेरित होकर किसी को दुखना, इस भावना से हम करते हैं, कभी कर्म दिखने में अच्छा होगा लेकिन उसके पीछे भावना ठीक नहीं है, तो वो भी पाप हो जाएगा। कोई कर्म दिखने में इतना भयंकर दिखाई देगा, अब जैसे जितने सारे जो सर्जन लोग होते हैं, हार्ट सर्जरी, स्टमक सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, तो उसमें तो कितनी चीरफाड़ भी उनको करनी पड़ती है, लेकिन उसमें भावना वो किसी को मारने की नहीं होती है, राइट? तो वो कर्म दिखने में भयंकर दिखता भी है तो भी वो नहीं है। एक न्यायाधीश है, किसी को फांसी की सजा देता है, पर उसको पाप नहीं लगेगा उसको, क्योंकि न्याय के अनुसार किया गया है वो, है नहीं? द्वेष के अनुसार करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो एक होता है कर्म रूप में, विधि निषेध के रूप में। तो उसका सूर्य भी जो होगा कि आपने विधि निषेध का पालन करो। भावना जो है, अपनी भावना की शुद्धि रखो। तो राग और द्वेष से प्रेरित होकर कर्म मत करना, सच्चे हृदय से, श्रद्धा प्रेम से वहां पे उसको करना, तो फिर वो पाप नहीं लगेगा आपको। है और तीसरा होता है मुझे अज्ञान सबसे बड़ा पाप है। पाप इन द सेंस हम अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानते हैं और अपने आप को कोई जीव मान लेते हैं और जीव बुद्धि से सब कर्म करते रहते हैं। इसलिए भगवद गीता में भी कहा अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जंतवः। लोगों की जो बुद्धि है वो अज्ञान से आच्छादित हो गई है तो बहुत गड़बड़ काम करते रहते हैं अज्ञान के कारण। तो कोई तो हम क्या अज्ञान के कारण करते हैं, अपने राग द्वेष के कारण करते हैं, ना समझ से करते रहते हैं, हाँ? तो ये पाप भी अलग अलग प्रकार के हो गए, कर्म के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर। तो अज्ञान के कारण यदि हम करें तो ज्ञान लाना चाहिए, भावना तो आप भक्ति भावना के साथ करो और सत्कर्म करो, हाँ। इसे कहा बहुत सुंदर प्रकार से, पापांधकारार्क परंपराभ्याम। अर्थ ये हुआ कि हम जब
गुरुपादों का आराधन वगैरह करेंगे तो विवेक प्राप्त होता रहेगा। वो एक ही दिन में सब नहीं हो जाता है, बार 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 उसको करना, उसको पढ़ना, उसको समझना, अपने स्वयं के जीवन के अनुभव से भी परीक्षा करके देखना चाहिए कि हाँ ये जो बात कही गई वो सही है। हाँ, दूसरों के अनुभव से भी सीखना चाहिए, अपने अनुभव से भी सीखना चाहिए। बहुत टाइम लग जाता है क्या करें, बीमारी बड़ी प्राचीन है, बहुत पुरानी बीमारी है, वो जल्दी से जाती नहीं। हम बीमारी से हमको लगता है एक टैबलेट पुड़क लेके सब ठीक हो जाना चाहिए, क्या करें, क्रॉनिक पेशेंट है, क्रॉनिक। पापांधकारार्क परंपराभ्याम तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्याम, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। ताप माने एफ्लिक्शंस, है ना, सफरिंग्स। इसलिए हम कहते ओम शांति 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 ही, है ना, तीन बार जो शांति बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, एक जो हमें तकलीफ कष्ट देने वाला है या विघ्न डालने वाला है वो आधि भौतिक है। आधि भौतिक माने जो कष्ट पीड़ा आपको अपने वातावरण से सराउंडिंग से आते रहते हैं, आते रहते हैं। हम कहीं जाना चाहते हैं और वहाँ पे रायट हो गया है, दंगा फसाद हो गया है, तो कोई रास्ता रोको आंदोलन हो गया है। अपने यहाँ पे तो पहले बहुत होता था रास्ता रोको, वो जाने नहीं देते आगे वगैरह, वो आधि भौतिक है। और कभी कभी क्या है ना, जो धर्मस्थल पे वहाँ पे बड़े बड़े माइक लगा देते हैं, वहाँ पे इतना जोर जोर से लगा देते हैं वहाँ पर। एक लड़का परीक्षा पढ़ा बैठा था और जो शिवरात्रि थी तो क्या क्या बड़े बड़े माइक लगा के सुना। उसने कहा भगवान ये आवाज से मुझे बचाओ। भगवान ने कहा तू एक दिन में थक गया, मैं तो रोज सुनता हूँ। सो आई एम एंड्यूरिंग इट एवरी डे बाबा। आधि भौतिक, अब क्या करोगे। अच्छा, फिर एक आधि दैविक होता है। आधि दैविक मैंने ये सीन है ना, देखे गए हैं, अनसीन होते हैं। इतनी ज्यादा बारिश बारिश बारिश, क्लाउड बर्स्ट हो गया, पता है क्या क्या हो गया, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये सराउंडिंग में शायद थोड़ा कुछ शायद कुछ कर सकते हो, पर वहां तो क्या करोगे, तो अतिवृष्टि हो गई, बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेन हो गई या कम हो गए, ड्राउट हो गया, हाँ, कहीं पे अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आ गया, वो तो आदि दैविक है, फ्रॉम फिनोमिनल फोर्सेस ऑल्सो। बहुत ताप तो हो जाता है। और यदि ये दोनों ठीक है तो अपने अंदर वी आर क्वाइट एफिशिएंट, यू नो, अपने शरीर में से कुछ आते रहता है, पता है क्या हो गया, तो अपने शरीर से भी आता है, अपने मन में भी आता है, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे विचार आने लग जाते हैं। और उल्टे सीधे विचार ज़्यादा आते जब आप पूजा जप करने को बैठते हो तो, यदि बैठते हो तो, और ध्यान करने को बैठेंगे तो उस वक्त ऐसे ऐसे और सबसे बड़ा विघ्न मैं आपको बताऊं, ये आधि भौतिक आधि दैविक के तो सब कुछ नहीं है, सबसे बड़ा विघ्न है जब आपके मुझे श्रद्धा चली जाती है। द लॉस ऑफ फेथ इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल। देखो ये दूसरे सब प्रकार के कष्ट आए भी, लेकिन जिसके हृदय में श्रद्धा बनी रहती है ना, वो कहता है ठीक है पार कर जाएंगे, मन में है विश्वास हम होंगे कामयाब, है ना।
तो बुद्धि के स्तर पे हम जो श्रद्धा विश्वास खो देते हैं वो भी बड़ा विघ्न है। तो ये ताप माने कष्ट देने वाली चीज है। अब एक बात ध्यान से देखने की है, वो आधी भौतिक हो क्या आधी दैविक हो, कष्ट तो अध्यात्म को ही होता है, आपके मन को ही होता रहता है ना। दुख किसको हुआ, मन को ही तो हुआ। और वहां उसको आपको सबसे बड़ी ताकत बढ़ाने की है, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए। और वो आध्यात्मिक शक्ति जो है वो है श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान। इसको बढ़ाते चले जाओगे तो ये दूसरे कितने भी विघ्न वगैरह आते चले जाएं वो आपको विचलित नहीं कर सकते। लेकिन जब अंदर से यदि चला गया तो फिर क्या, कितनी बड़ी भी चीजें हो तो भी कुछ नहीं होता है। श्रद्धा ही नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, तो क्या करोगे फिर, रोना बाकी रह जाता है। और जब आदमी बहुत ज्यादा रोता है तो दूसरा कोई सुनता भी नहीं है। एक कविता या पता नहीं क्या थी, वो गजल थी क्या थी, उसमें एक लाइन मैंने पढ़ी थी, रोने से कुछ काम नहीं होगा ऐसा कह के लोगों ने हमको रोने भी नहीं दिया। क्या करें, अरे अब दी मोमेंट वो आदमी आता, अरे भाग रहे कुछ अब बताएगा पता नहीं। आई एम टेलिंग यू, सब जी का आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, देन ओनली यू कैन फेस ऑल चैलेंजेस ऑफ लाइफ, स्ट्रेंथन योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। इसलिए शंकराचार्य लिखे आत्मेच्छा व्यवसीयताम, अपने आत्मज्ञान की इच्छा को बढ़ाना चाहिए, है उससे ताकत मिलने वाली है। तो ये कितने प्रकार के भी हो, अब यहाँ पे कहा ये तीन प्रकार के जो ताप है वो मानो सांप के जैसे, सांप का नाम सुन के भी हमको डर लगता है, ये सांप के जैसे है, आपको डसने को दुख देने को तैयार है। लेकिन गरुड़ पक्षी को बुला, गरुड़ राम रावण का युद्ध जब हुआ ना तो उसमें आता है प्रसंग, हो उन्होंने नागपाश भेज दिया तो सारी सेना नागपाश में बंध गई थी, इनक्लूडिंग राम लक्ष्मण ऑल्सो, ऐसा वर्णन आता है। तो नारद जी गरुड़ जी को लेके आए और गरुड़ जी ने सारे नागपाश को देखे, अरे भगवान की लीला है, भगवान को कौन बांध सकते हैं। तो यदि ये सर्प इस प्रकार से तकलीफ देने में, ये पाप ताप, पहले से पाप कहा फिर कहा ताप कहा, तापत्रय उसको नष्ट करने के लिए गरुड़ जी को बुला, गरुड़ जी आजा 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 आजा, ये और पता नहीं गरुड़ जी कहाँ है, अरे गुरु पादुका है ना वही है, उनका स्मरण करो। अच्छा हो गया, अब तीसरी पंक्ति में क्या कहा, जाड्याब्धि संशोषण वाड़वाभ्याम, जाड्याब्धि, अब्धि का अर्थ होता है समुद्र, जाड्य जाड्य शब्द का अर्थ होता है जड़ता, इनर्शिया, जड़ता का अर्थ होता है आलस्य, जो अब आदमी बहुत आलस्य पाया तो जड़ हो जाता है कि नहीं, अरे कुछ करो ना, क्या करें, कुछ करने का नहीं। तो एक होती है शारीरिक जड़ता, इनर्शिया फिजिकल लेवल, उसे होते आलस्य, आलसी, कुछ भी करने को करेंगे ना कल है। एक जड़ता हो गई, दूसरी होती है मन की भी जड़ता होती है, मन जो होता है ना भावनाशील होता है, भावना प्रधान मन होता है। तो अच्छी कोई भावना कोई प्रेरणा वगैरह कुछ नहीं है, कोई ऊंची भावना आती ही नहीं है,
यदि वो कर्म भी करता है, शारीरिक जड़ता नहीं भी हो, लेकिन जो कर्म करता है एकदम ऐसे का जड़ बुद्धि है बिल्कुल। तो कोई कोई लोग तो बोलिए कैसे होते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव, कोई एक्टिव, कोई हाइपर एक्टिव, पता नहीं ऐसे ऐसे अलग अलग, और कोई कोई तो बड़े डिसरप्टिव, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं वहाँ पे, तोड़ फोड़ करने में लगे रहते हैं जब देखो तो अखबार। कोई अच्छी भावना ही नहीं है, सद्भावना कुछ नहीं है, तो भावना की जड़ता हो गई। और फिर होती बुद्धि के स्तर पर, क्यों कुछ अकल ही नहीं है, तो व्यवहार इसकी अकल में पत्थर पड़े हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं हिंदी भाषा में, ये अकल को बेच के खा गया है, थोड़ी थी अकल इसके पास, वो बेचती उसने, आप कुछ नहीं भागे उसके पास। ये बुद्धि की जड़ता होती है, अज्ञान, अज्ञान रूप बुद्धि की जड़ता है, दुष्टादि भावनाएं जो है मन की जड़ता है, शरीर के सर आलस्य वगैरह जो है वो जड़ता है, वो मानो समुद्र के समान है। अब उसको नष्ट कैसे करेंगे, तो कहा कि समुद्र के हौलों में एक अग्नि होती है, उसको कहते हैं यहाँ पे वड़वाग्नि। अगले पहले हमने दावाग्नि देखा था, जंगल फायर देखी थी, फायर वाइल्ड फॉरेस्ट फायर, ये ओशनिक फायर है, और ये ओशनिक फायर क्या करती है, वह उस चीज को जला देगी। इसलिए हनुमान जी की स्तुति में भी जो एक श्लोक है, बुद्धिर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च, हनुमत स्मरणाद भवेत, हनुमान जी के स्मरण करने से हमारी ये जो जड़ता है ना वो सब खत्म हो जाएगी, लाइफ में अलर्टनेस आ जाएगी, सजगता, जागरूकता, सद्भावना, सद्ज्ञान, ये सब आने लगेगा। जाड्याब्धि संशोषण वाणवाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। देखो हम लोग सब गुरु स्तोत्र भी पढ़ते हैं ना, भाई हाँ पढ़ते हैं, उसमें एक श्लोक आया है, शोषणम भव सिंधोश्च ज्ञापनम सार संपदः गुरोपादोदकम सम्यक तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु के चरण कहो या चरण पादुका कहो, उनकी आराधना करने पर वो जब हम लोग तीर्थ प्राशन लेते हैं, गुरु पादोदकम चरणामृत कहते हैं उसको, वो यदि लेंगे शोषणम भव सिंधु, भव सागर सूख जाता है। यह मीराबाई का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, भव सागर तो सूख गया है फिकर नहीं मोहे तरणन की। बोले आप गुरु भक्ति की ऐसी लगन लग गई है, और उसने क्या कर दिया, ये भव सागर, भव सागर, भव सागर सूख गया, अब भव समुद्री सूख गया तो तरने की फिक्र ही नहीं रही अब तो, तरना क्या है उसमें, सागर ही नहीं है, ये गुरु की भक्ति की महिमा है। जाड्याब्धि संशोषणम, सुखा देती है, शोषणम भव सिंधु ज्ञापनम सार संपदा, और ये गुरु चरणामृत कैसे हैं, भव सागर को सुखा देते हैं, संसार सागर को सुखा देते हैं, और जो दुनिया का सबसे बड़ा धन है, संपत्ति है, उसका ज्ञान करा देते हैं। तो वही मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो एक और तो कहा कि भव सागर सूख गया, दूसरी ओर कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, ये उनके गुरु से प्राप्त हुआ है, उनको उनके गुरु थे रैदास जी, ऐसा उनको प्राप्त हुआ। हाँ
गुरोपादोदकम सम्यक तस्मै श्री गुरवे नमः, ऐसे गुरु की महिमा है। क्या पापांधकारार्क परंपराभ्याम तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्याम जाड्याब्धि संशोषण वाड़वाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। तो पापांध अर्क, अर्क शब्द का अर्थ होता है सूर्य, मतलब जो तेजस्वी प्रकाशशील है हाँ और पूजनीय है उन्हीं को सूर्य कहते हैं। ऐसे ये जो गुरु पादुका है उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब तक जिन्होंने नहीं किया है तो कर देना चाहिए हाँ, और किया है तो करते ही रहना चाहिए हाँ, कभी भूलना नहीं हाँ। चलो ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम गुरु पाद मंगलम गुरु पाद मंगलम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।